आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कई देश और कई लोग अभी भी जूझ रहे हैं। देश के पुराने और बड़े विद्यार्थी संगठन में से एक एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इस बार संगठन का प्रदेश अधिवेशन 3 जनवरी 2021 को वडोदरा शहर में होगा, जो कि कोरोना महामारी के कारण केवल एक दिन का होगा, जिसमें प्रदेश के कई संगठन मंत्री भाषण देंगे। शहर के अग्रणी लोग भी अपनी हाजिरी देंगे और सरकार के समक्ष विद्यार्थियों के मुद्दों को कैसे रखें और कौन कौन से मुद्दे उठाएं, इस पर चर्चा करेंगे। खास करके कोरोना के कारण कॉलेज में फीस में कटौती पर, इस पर सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया जाएगा। गुजरात में एबीवीपी द्वारा इस बार 52वां प्रदेश अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए गुजरात के प्रभारी मीडिया कन्वीनर समर्थ भट्ट। समर्थ जी, बताइए कि इस बार जो ये अधिवेशन होने जा रहा है, कोरोना के कारण कई पाबंदियाँ लगी हुई है, लेकिन आप हर साल जो अधिवेशन करते हो तकरीबन 3 दिन का होता है, लेकिन इस बार जो अधिवेशन है वो एक ही दिन का है, तो इसमें एक दिन में आप क्या करेंगे? जी, हर बार तो अधिवेशन बहुत बड़ा रहता है और छात्रों के लिए तो एक उत्साह, बहुत ही एक त्यौहार जैसा माहौल रहता है। पूरे गुजरात से छात्र शक्ति अराउंड 1000 जितनी छात्र शक्ति उपस्थित रहती है, पर इस बार कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 900 के हॉल में 117 लोग ही सिर्फ मौजूद रहेंगे। और इस एक दिवसीय अधिवेशन में हम प्रस्ताव सत्र में विविध प्रस्ताव पारित करेंगे, जिसमें हम राष्ट्र और गुजरात की प्रादेशिक जो स्थितियाँ है, परिस्थितियाँ है, शैक्षणिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पारित करेंगे। और उस प्रस्ताव को, जो छात्र शक्ति का निर्णय होगा, उसको हम सरकार को प्रेरित प्रस्तुत करेंगे और उनको आग्रह करेंगे कि विद्यार्थी हित में कुछ निर्णय लिया जाए। तो जो आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं कि जो विद्यार्थी हित में आप सरकार के सामने बात रखेंगे, वैसे कौन से जो प्रमुख मुद्दे हैं? जी, इस बार कोरोना की महामारी में हम सबको ये सोचना पड़ा है कि हमारे सिस्टम पे सवाल खड़े उठ रहे हैं कि फीस का मुद्दा हो, चाहे एडमिशन का मुद्दा हो, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम का मुद्दा हो, तो इस सारे विषय को लेके हम प्रस्ताव पारित करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। फीस का मुद्दा हो तो उसको हम देखेंगे कि कैसे एक फीस स्ट्रक्चर जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो और साथ में ही सारा संचालकों और कॉलेजों के लिए भी अनुकूल हो, कैसे वो हो सके फी का स्ट्रक्चर, वो भी हम चर्चा विचारना के बाद प्रस्ताव उसके पारित करेंगे और सरकार के समक्ष रखेंगे। तो ये थे एबीवीपी के समर्थ भट्ट, जिनका कहना है कि जो फीस के जो मुद्दे हैं, जो इस बार कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो फीस में कटौती को लेकर के यहाँ के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं और जो स्कूल के संचालक हैं, उन्होंने काफ़ी एक लंबे समय तक लंबा टकराव चला था, लेकिन फिर बाद में 25% फी की कटौती को लेकर के जो फैसला किया गया था, और भी कई सारे जो स्कूल के मुद्दे, कॉलेज के एडमिशन प्रक्रिया के मुद्दे, उन सभी मुद्दों को इस अधिवेशन में सरकार के सामने रखा जाएगा और फिर बाद में सरकार तय करेगी कि इनका क्या करना है। कैमरामैन विपुल के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशनल लाइव न्यूज़, अहमदाबाद।